हाँ तो हम एक्सरसाइज 2.2 पर आ गए हैं रिलेशन की, तो हम लोग अब उसको देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका आ रहा ही होगा स्क्रीन पे, तो उसको देखो मेरे साथ। लेट ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 तक चल रहा है आपका ए, और डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। अब ए टू ए का मतलब ए क्रॉस ए में जितने भी बनेंगे, तो ए में आप देखोगे यहाँ पर, तो ए में 14 एलिमेंट्स है, तो ए टू ए में भी आपके कितने हो जाएंगे, 14 × 14 196 आ जाएंगे आपके उसमें, ठीक है। और आपको रिलेशन में डिफाइन दे रखा है कि ये एक्स वाई का पेयर है और 3x − y = 0। अब ये हम लोग करना है, तो चलो इसका डोमेन रेंज हम लोग निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो तो देखो क्या दे रखा है आप लोगों को क्वेश्चन में। क्या दे रखा है, ए दे रखा है आपको 1 to 14, 1, 2, 3 और ये 14 दे रखा है। अब यहां पर अगर मैं ए टू ए करता हूँ, ए टू ए, और इसका और क्या मतलब हो सकता है, ए क्रॉस ए, और क्या मतलब हो सकता है इसका, ए इस टू ए, ये भी मतलब हो सकता है, और क्या हो सकता है लास्ट, ऐसे ए एरो ए, ये मतलब सारे सेम है। इस तरफ आपने ए बनाया 1 to 14, इस तरफ भी आपने ए बनाया, ठीक है ना, ये ए है, ये ए है, ठीक है ना। ए टू ए आपको एक रिलेशन बोल रखा है, और रिलेशन में उसने क्या बोला है आपको, एक्स वाई का पेयर जो किस चीज को सेटिस्फाई करेगा आपका, 3x − y = 0, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और एक्स और वाई दोनों के दोनों आपको ए को बिलोंग करेंगे। तो आपके पास वाई इज इक्वल टू 3x है, ये आपको एक दे रखा है, और आपको ये ए दे रखा है, तो ये आपके इनपुट हो गए। आप यहाँ से पुट करोगे और इसमें आपका आंसर भी इसी से आएगा, तो अब उसी चीज को मैं यहाँ पुट करता हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं एक्स की वैल्यू एक बार 1 ले लेता हूँ, फिर x की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, x की वैल्यू 3 ले लेता हूँ, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 5, ऐसे चलता रहेगा हमारा 14 तक, ठीक है। अब मैंने x की वैल्यू 1 ली है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 1, 3, चलो ठीक है, ये a को बिलोंग करता है, ठीक है। अब y x की वैल्यू 2 ले ली तो कितना हो जाएगा, 3 × 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6, x की वैल्यू 3 ले ली तो मैंने, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है ना। x की वैल्यू अगर मैंने 4 ले ली तो यहाँ मैं पुट करता जा रहा हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 12, पर x की वैल्यू जैसे ही मैंने यहाँ पे 5 ली, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 15। मतलब इससे आगे जितना भी आप लोगे वो a में नहीं आएगा, क्योंकि a आपका कितने तक चल रहा है, सिर्फ 14 तक चल रहा है, तो इससे आगे ये नहीं आएगा। तो इसके आगे जितने भी एलिमेंट आप रखोगे वो आप नहीं कंसिडर करोगे। तो r आपके पास क्या आ जाएगा, रोस्टर फॉर्म में 1 पुट करने पर 3 आ रहा है, 2 पुट करने पर 6, 3 पुट करने पर 9, और 4 पुट करने पर 12। तो ये आपका आ जाता है। डोमेन हमारा क्या होता है, x की वैल्यू को हम डोमेन बोलते हैं, तो डोमेन आपका क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, और रेंज आपका क्या हो जाएगा, y की वैल्यू, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 3, 6, 9 और 12, और आपके पास कोडोमेन क्या हो जाएगा, तो कोडोमेन आपका होता है जिसमें से आपका आंसर निकल के आता है। तो इस पार्ट से आपका आंसर निकल के आ रहा है, तो वो पूरा का पूरा ए ही हो जाएगा, विच इज गिवन टू यू इज 1 to 14। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट होता है ऐसे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी देखो मेरे साथ, आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दे रखा है, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट ऑन सेट नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर का सेट है आपका आर, और क्या दे रखा है कि आर इज इक्वल टू सेट ऑफ एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू, क्या दे रखा है आप लोग देखो मेरे साथ, वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स प्लस 5, और एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो ये सॉल्यूशन नंबर 2 देख रहे हैं हम लोग, तो हमारे को ये इस बात से हमारे को रिलेशन डिफाइन करना है। तो x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4 क्या हो सकता है, तो x हमारा हो सकता है 1, 2, 3, बस ये 3 पुट कर सकते हो, यहाँ पुट कर लो, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 पुट करोगे यहाँ पर तो आ जाएगा 6, 2 पुट करोगे तो 7, और ये 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास जो सेट आएगा, रिलेशन आएगा, वो क्या आ जाएगा, रिलेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 पुट करने पर 6, तो 1, 6, 2, 7 और 3, 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब आप इसमें डोमेन और रेंज बता ही सकते हो, तो डोमेन आपका क्या हो जाएगा, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू, तो 1, 2 और 3, ठीक है, और रेंज आपके पास क्या आ जाएगा, वाई की वैल्यू, ठीक है, वाई की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 6, 7, 8, और कोडोमेन आपकी क्या हो जाएगी। तो कोडोमेन कैसे डिफाइन करते हो आप लोग, तो वो हमारे को जो रिलेशन दे रखा था ऑन
एन दे रखा था, मतलब ये भी आपका नेचुरल नंबर है और इधर भी आपका नेचुरल नंबर है, तो आपका जो इनपुट है वो नेचुरल नंबर है और आउटपुट जो आएगा वो भी नेचुरल नंबर के अंदर ही आएगा। तो कोडोमेन आपका जिससे आंसर आता है वो होता है, तो रेंज का ही पार्ट होता है, रेंज उसके बस सब पार्ट होते हैं, मतलब कह सकते हैं कि जो रेंज होती है आपकी इट इज़ अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन का सबसेट होता है हमारा रेंज। तो कोडोमेन सब कुछ होता है, उसमें से हमारे रेंज के आंसर आते हैं, इक्वल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर टू भी आपको समझ में आया होगा आई होप। अब क्वेश्चन नंबर थ्री देखो मेरे साथ क्या दे रखा है, इसको भी देख लो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर थ्री में दे रखा है आपको, ए आपको दे रखा है 1 2 3 5 और बी दे रखा है 4 6 9, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना, बाय द डिफाइन बाय द डेफिनेशन। तो आपको आर दे रखा है, क्या दे रखा है, इट इज अ सेट ऑफ एक्स वाई, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड, तो एक्स और वाई का जो डिफरेंस है वो ओड होना चाहिए। तो पहले आप ये समझो, ए आपको दे रखा है, ए आपको दे रखा है वो देख लो कि 1 2 3 5 और बी आपको दे रखा है 4 6 9, ये आपको दे रखा है। अब हम लोगों को बोला उसने एक रिलेशन डिफाइन करो ए टू बी, ए टू बी, तो ये आपकी एक्स की वैल्यू होगी, मतलब ये और ये आप ऐसे ऐसे पुट करोगे, ठीक है ना। और उसमें हम लोगों को क्या कंडीशन दे रखी है आर की, कि आर जो होगा सेट ऑफ एक्स वाई होगा, जो एक्स और वाई का जो डिफरेंस होगा वो ओड होगा, ये हमारे को सेटिस्फाई करना है। और x हमारा किसको बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, ये हमारे को दे रखा है a टू b में, तो ये क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। तो अब हम लोगों को देखो कैसे पेयर बनाना है वो चेक कर लो। अगर मैंने 1 ले लिया, x में से 1 ले लिया, तो इसके साथ मैं 4 लेता हूँ तो क्या आएगा, डिफरेंस 3 आएगा, अब वो माइनस में आया प्लस में आया इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगला मैं लेता हूँ 1 के साथ 6, तो वो भी 5 आएगा, तो ये भी सही है, ओड नंबर आना चाहिए, ये भी एक ओड नंबर आएगा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे ये भी एक ओड नंबर आएगा। अब 1 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 आएगा, वो हमें नहीं लेना। ऐसे 2 के साथ आप 4 लोगे तो इवन नंबर, 2 के साथ 6 लोगे तो इवन नंबर, 2 के साथ 4 लोगे सब्ट्रैक्ट करने पर तो ओड नंबर, तो 2 के साथ 9 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आप देखोगे 3 के साथ 4 लोगे तो आ जाएगा ओड नंबर, फिर 3 के साथ आप लोग 6 लोगे तो भी ओड आएगा, फिर 3 के साथ आप लोग 9 लोगे तो ओड नहीं आएगा, 5 के साथ 4 लोगे तो ओड, 5 के साथ 6 लोगे तो ओड, 5 के साथ 9 लोगे तो ओड नहीं आएगा, इवन आएगा। तो ये हमारा एक सेट बन जाएगा रिलेशन का। तो इसमें डोमेन आप बता सकते हो 1 2 3, रिपीट होता नहीं है कोई नंबर सेट में, तो 1 2 3 5 5 1 2 3 5, और कोड रेंज आपकी हो जाएगी 4 6 9, 4 तो रिपीट हो जाएगा, 6 भी रिपीट, 4 6 9 आपका ये मतलब पूरा का पूरा आपका ये रेंज, ये आपका डोमेन हो जाएगा और ये आपका रेंज हो जाएगा और कोडोमेन आपका बी है। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करने हैं, तो आप देख सकते हैं इन सब चीजों को। तो अब हम आगे के क्वेश्चन देख रहे हैं 2.2 के, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख रहे हैं हम लोग, जरा देखो मेरे साथ। ये आपको एक फिगर दे रखी है, उसमें पहले से ही एरो डायग्राम दे रखा है। अब इसमें हम लोगों को इसको सेट बिल्डर फॉर्म में डोमेन रेंज वगैरह रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना है। तो ढंग से देखोगे आपने तो 5 पुट करा तो 3 आया, 6 पुट करा तो 4 आया, 7 पुट करा तो 5 आया, ठीक है। तो आप लोग सिंपली यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में तो लिख ही लोगे इसको, तो रोस्टर फॉर्म में क्या लिखोगे, रोस्टर फॉर्म में आपका R जो हो जाएगा 5 पुट करने पर 3, 6 पुट करने पर 4 और 7 पुट करने पर 5 आ रहा है। तो सिंपली अब इसको आप लोग अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे एक्स वाई की फॉर्म में तो कैसे लिखोगे उस चीज को, तो देखो ढंग से यहाँ पर देखो, 5 फुट करने पर 3 आ रहा है तो डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में, 2, 6 फुट करने पर 4 आ रहा है तो डिफरेंस 2, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ ये x होता है ये y होता है, तो मैं कह सकता हूँ x माइनस y करने पर 2 आ रहा है, और यहाँ पर जो x है वो किसको बिलोंग कर रहा है, p को, और y जो है किसको बिलोंग कर रहा है, q को, तो ये आपके पास आ जाएगा खत्म। अब इसके बाद तो बस बचा ही गया आपके पास डोमेन, डोमेन मतलब x की वैल्यू, डोमेन मतलब x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी है 5 6 7, और रेंज मतलब y की वैल्यू, तो वो कितना आपका 3 4 5, और कोडोमेन आपका पता ही है, कोडोमेन आपका ये वाला पूरा का पूरा q आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में भी आपको दे रखा था कि a दे रखा है और रिलेशन ऑन a हम लोगों को डिफाइन करना है, तो आपके पास इधर भी a है और इधर भी a है, दोनों साइड आपके पास a है, ठीक है ना, जो भी आपको दे रखा है वो सारा का सारा, तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो आंसर भी यहीं से आना चाहिए, बट वो इस बात को सेटिस्फाई करेगी जो बाद वाला है बी, बी है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए होना चाहिए, तो पूरी तरह ए से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर मैं 1 कोमा 1 लेता हूँ, यहाँ से 1 से 1 को मैं पुट करता हूँ,
1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 तो 1 पुट करता हूं तो 1 क्या 1 से डिवाइड हो जाता है? हाँ हो सकता है। ठीक है, क्या 1 2 से डिवाइड, अब मैं 1 को मैं 2 लेता हूं तो बाद वाला पहले वाले से डिवाइड होना चाहिए, ये लिखा है ना, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, तो 2 क्या 1 से डिवाइड हो जाएगा, यस। तो 1 के साथ 2 ले सकते हो, 1 के साथ 3 ले सकते हो, 1 के साथ 4 लिख सकते हो और 1 के साथ 6 लिख सकते हो। अब उसके बाद देखोगे आप 2 के साथ आप क्या लिखोगे, 2 को मैं 2 लिख लोगे, चलो ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 के साथ अगला आप लिखोगे, 2 के साथ 1 नहीं लिख सकते, 2 के साथ 3 नहीं लिख सकते, 3 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 2 के साथ 4 लिख सकते हो, 2 के साथ 6, ठीक है ना, बस ये आपके आ जाएगा। अब आप 3 के साथ लिखोगे तो 3 के साथ 3, देन 3 के साथ 6 और कोई नहीं आ पाएगा, 4 के साथ 4 और 4 के साथ कोई और आप एलिमेंट ले ही नहीं सकते, वो डिवाइड होगा ही नहीं, ऐसे 6 के साथ 6। तो ये आपका सेट बन गया पूरा का पूरा, एक रिलेशन बन गया, ठीक है ना। अब इसमें डोमेन आप देखोगे तो डोमेन आपके क्या हो जाएगा, डोमेन आपका पूरा का पूरा ए ही आ रहा है, 1 2 3 4 6, तो ये एक्स की वैल्यू है तो सारी की सारी आ जाएगी, तो पूरा का पूरा ए ही आ जाएगा। और रेंज आपसे पूछता है कोई, डोमेन ही लिख देता हूँ पूरा, रेंज आपसे कोई पूछता है तो वो भी आपका 1 2, वो भी पूरा का पूरा ए आ जाएगा और को डोमेन भी आपकी पूरी की पूरी ए आ जाएगी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, वो भी इजी है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जैसे हमने करा था वैसा ही ये क्वेश्चन है आपका। भाई ये एक्स दे रखा है आपको, ये वाई दे रखा है, तो वाई इज इक्वल टू आपको दे रखा है एक्स प्लस 5 और एक्स की वैल्यू आपको 0 1 2 3 4 5 यहाँ पे पुट करनी है। तो सिंपली है, अगर आप लोगों ने एक्स की वैल्यू 0 रखी, देखो एक्स की वैल्यू अगर आप लोगों ने 0 रखी तो यहाँ 0 रखोगे तो 5, 1 रखी तो 6, 2 रखी तो 7, 3 रखी तो 8, 4 रखी तो 9 और 5 रखी तो 10। तो ये इजी क्वेश्चन था, तो ये इसमें डोमेन रेंज सेम ही आएगा, यही आपका डोमेन हो जाएगा, रेंज आपका 5 6 7 8 9 10, ये सारा का सारा आ जाएगा, वो इजी है बहुत। ऐसे इसमें देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 में आपको x और x क्यूब दे रखा है, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, तो आपको एक नंबर लेना है x जो 10 से छोटा होगा, प्राइम नंबर होगा, तो 2 हो सकता है प्राइम नंबर आपका जो 1 से डिविजिबल हो और बस, और अपने आप से डिविजिबल हो। तो देखो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया, ये सारे वो नंबर है जो प्राइम नंबर है और 10 से छोटे हैं, यही नंबर है बस। तो आप यही आपको रखने हैं यहाँ पर, तो आप लोगों ने अगर 2 रखा तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 8, 3 रखा तो 3 का क्यूब आपका कितना हो जाएगा 27, और 5 रखा तो 5 का क्यूब आपका हो जाएगा 125, और 7 रखा तो इसका हो जाएगा 343, तो ये आपका आ जाएगा। तो डोमेन आपकी 2 3 5 7 और रेंज आपकी 8 27 और 125 हो रही है, और ये नेचुरल नंबर हो गया, रियल नंबर होगा वो क्वेश्चन में आपको दिख ही जाएगा, तो उस हिसाब से आप कोडोमेन उसको बोल सकते हो। अब इसमें भी आप देखोगे तो ए आपको दे रखा है और बी आपको दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन। तो नंबर ऑफ रिलेशन का फार्मूला क्या होता है, तो हम लोगों ने पावर ऑफ सेट पढ़ा था, ए टू बी अगर आपसे बोल रहे हैं तो कितना हो जाएगा 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स उसमें आएंगे। तो ए टू बी में अगर आप देखोगे तो ए टू बी, ए क्रॉस बी करोगे तो कितने बनेंगे, इसके 3 है, ए क्रॉस बी है के हिसाब से, तो इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो 6 बनेंगे, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2 की पावर 6। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज 2 की पावर 6, तो ये क्वेश्चन यहीं पर फाइनल हो जाता है। अब देखो आखिरी क्वेश्चन भी देख लो इस एक्सरसाइज का, क्या दे रखा है, अगर ए आपको दे रखा है, बी आपको दे रखा है, ए भी जेड मतलब इंटीजर को बिलोंग कर रहा है और बी भी इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, तो ए माइनस बी इज आल्सो एन इंटीजर, आप क्लियर समझ सकते हो इस चीज को। ए मैं ले लेता हूँ मान लो 1 और बी ले लेता हूँ मैं 5, तो ए माइनस बी आपका क्या हो जाएगा, ये 5 है, ए माइनस बी आप करोगे तो 1 माइनस 5 माइनस 4, क्या ये इंटीजर है, हाँ ये एक इंटीजर है, कोई भी नंबर लोगे हमेशा एक इंटीजर ही आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे क्योंकि आपको ए और बी भी एक इंटीजर ही कंसीडर करना है, तो ये भी एक इंटीजर ही आएगा, तो मतलब इसका जो आंसर आएगा, जो कि रेंज होगा, आंसर जो आएगा इसका वो भी एक इंटीजर ही होगा, और जो हम पुट कर रहे हैं डोमेन वो भी आपकी एक इंटीजर ही होगी, क्योंकि हम लोग एक इंटीजर ही ले रहे हैं डोमेन की वाइज, तो डोमेन भी आपकी इंटीजर है और रेंज भी आपकी इंटीजर है और कोडोमेन भी आपकी वही होगी, तो कोडोमेन भी मैं लिख देता हूँ वो भी आपकी एक इंटीजर होगी, ठीक है। तो ऐसे ही पूरी एक्सरसाइज आपकी खत्म होती है।